हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एग्ज़ाम एम्पायर एम आर तेतरवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एम्पायर पर। दोस्तों, आज हम एनर्जी रिसोर्सेज को करने वाले हैं, ऊर्जा के जो संसाधन हैं, तो उन पे दोस्तों एक या दो क्वेश्चन तो हर पेपर में छपते हैं और रिट में तो डेफिनेटली छपने वाला दोस्तों, इसके बिना कुछ भी नहीं है। और ये 15 क्वेश्चन है, इनसे लिंक करके मैं लगभग 15-30 क्वेश्चन करवा दूंगा, इन्हीं में से घुमा फिरा के आने वाले। और रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा दोस्तों, कॉन्स्टेबल एग्जाम में 2020 में, कंप्यूटर निदेशक में 2018 में, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में 2011 में दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2011 में हुआ दोस्तों, 2013 में, और भी बहुत टाइम रिपीट हुआ दोस्तों। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगर दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका आंसर करो, पहले 5 सेकंड का टाइम है। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा एटमिक एनर्जी, एटमिक एनर्जी आप सबको पता है, यूरेनियम और थोरियम के बाय प्रोडक्ट्स इनको बनाया जाता है, तो इसमें कोयला वोयला पानी वानी का लोचा है नहीं दोस्तों, ना। तो ये कहाँ पे दोस्तों, देखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये है राउतवाटा में दोस्तों, और राउतवाटा का है दोस्तों, देखिएगा, ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ राउत होता ना, चित्तौड़गढ़ किसके, चंबल नदी के किनारे, आप सबको पता है। ये दोस्तों नदियों के किनारे क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती है, इनसे जो वेस्टेज निकलता है उसको उसी में बहा दिया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ चंबल नदी के किनारे किसके सहयोग से दोस्तों, कनाडा के सहयोग से, सहयोग किसने किया, कनाडा देश ने किया, और शुरुआत कब हुई दोस्तों, 1965 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, राउतवाटा की, चंबल नदी के किनारे है, 65 में शुरुआत हुई, कनाडा के सहयोग से हुआ दोस्तों, और ये देश का दूसरा है दोस्तों, देश का दूसरा एटमिक एनर्जी प्लांट है दोस्तों, दूसरा, और राजस्थान का तो पहला ही होगा ना मेरे लाल, राजस्थान का पहला है दोस्तों ये, ना, ये भी पूछा जाता है कौन सा राजस्थान का पहला, और ये अभी तक तो पहला और आखिरी यही था दोस्तों, इसका एक अधिकार था, लेकिन अब जो दूसरा बनने जा रहा है दोस्तों, वो बनने जा रहा है सेकेंड, जो बनने जा रहा है दोस्तों, देखिएगा, सेकेंड जो है एटमिक प्लांट, सेकेंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो बनने जा रहा है दोस्तों, नापला बांसवाड़ा, हाँ, बांसवाड़ा सुना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा जहाँ से माही नदी जाती है, बांसवाड़ा ना, कर्क रेखा दो बार काटती है, आप सबको बताइए, वो सॉरी माही नदी को, कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। और दोस्तों देखिएगा, मैंने बताया था ना कि बांसवाड़ा में फिर से माही नदी जा रही है, तो माही नदी के, नदियों के किनारे ही दोस्तों, कई बार हम कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब जैसे देख लीजिएगा, जैसे पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा का कहाँ लगेगा दोस्तों, जयपुर में तो लगाएंगे नहीं, पवन ऊर्जा का वहाँ लगाएंगे ना जहाँ पर विंड का अच्छा फ्लो होता हो। अब शहर में जाओ, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहते हैं, तो वहाँ हवा ही नहीं लगती, तो जितना खुला होगा उतना विंड का फ्लो ज़्यादा होगा। तो हम अब पश्चिमी राजस्थान में जब वनस्पति ही नहीं है, पेड़ पौधे ही नहीं है, कोई लोग रहते ही नहीं है, तो बड़ी बड़ी ज़मीनें ऐसे खाली है, तो वहाँ पर विंड फ्लो अच्छा है, तो वहाँ पर लग गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, कौन सा, अब जैसे अब यहाँ पर लगा, अब जैसे सनलाइट वाला है, सनलाइट वाला कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री तक सही से प्रकाश पड़ता है, तो हम आते हैं उसमें। लेकिन अब जोधपुर गया, वो जैसलमेर गया, सबसे बड़ा जोधपुर में है, दूसरे नंबर का जैसलमेर में, तो वहाँ क्यों गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ डेंसिटी कम है, लोग कम रहते हैं, वहाँ की ज़मीनें सस्ती है। अब यहाँ तो भाई साहब आप एक एक दुकान लेके देख लो, आपको दुकान जितना एरिया भी करोड़ों रुपये का बिकता है, तो जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, वहाँ पे नहीं लगा सकते थे बड़े प्लांट। तो कॉमन सेंस से कई बार निकल जाता है ना, जैसे अब देखिएगा, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना, यहाँ पे देख लीजिए, ज्ञान करिए वर्ड पे, पवन मतलब हवा से बिजली बनाने का, अब कहाँ बनेगी, मैंने बताया अभी जयपुर के बीचों बीच तो बनाने देंगे, वरना वो चलेगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं उसका, है ना, विंग, ठीक है। तो देखिएगा, ये है दोस्तों अमर सागर, पवन दोस्तों, पवन एकमात्र ऐसा है, हालांकि और भी है, लेकिन सूर्य भी है, ये आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जो जीरो वेस्टेज करते हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है और अनलिमिटेड मात्रा में, लेकिन पवन ऐसी है जो उसको निरंतर चलती रहती है, सर्दी गर्मी बरसात हो कुछ भी हो, पवन चलती रहती है, मतलब पवन तो अमर है भाई, पवन तो अमर है हमेशा हमेशा के लिए। तो पवन ऊर्जा का पहला संयंत्र जो है दोस्तों, वो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है दोस्तों, ठीक है, ये था दोस्तों। और आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग, है ना। अगला देखिएगा, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ अवस्थित है, बताओ भाई, गिरल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई, इसका जवाब करेगा, देखो दोस्तों, सुपरिटेंडेंट एक गार्डन का है, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में भी ये आया हुआ है, बताओ भाई इसका, बताओ भाई, तो गिरल दोस्तों देखिएगा, गिरल लिग्नाइट थर्मल,
भाई साहब गिर जाता है कोई भी नाइट में कहाँ पे, और बाढ़ आए तो वैसे ही गिर जाता है ना, तो गिर जाता है, गिरल गिर जाता है नाइट में, है ना, नाइट में गिर जाते हैं ना लोग, अगर संभल के नहीं चलाओगे बाढ़ आ जाएगा तो वैसे ही गिर जाएंगे ना। तो गिरल लिग्नाइट है ये दोस्तों, बाड़मेर में है, और ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित, राजस्थान का पहला फर्स्ट जो है लिग्नाइट आधारित दोस्तों, लिग्नाइट आधारित है ना, लिग्नाइट लिग्नाइट आधारित प्लांट है दोस्तों, ये याद रखना। छपरा दोस्तों देखिएगा आप, 21 में अभी भी रिपीट हुआ दोस्तों ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? अगर ये क्वेश्चन तुम नहीं करके जा रहे हो तो तुम उन लोगों से बहुत पीछे रह जा रहे हो दोस्तों, जो पता है आपको ये आपकी उम्र से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो ये 2 नंबर का सीधा सीधा छपने वाला है आपके पेपर में। अब 2 नंबर से आप कट ऑफ में रह गए तो सिर्फ इस वजह से रोगों कि ये आपने किया नहीं। अब तो ये सब बच्चे बच्चे को आता है, 1000 बार 1000 दफ़ा ये देखिएगा, ये देखिएगा राजस्थान हाई कोर्ट में फर्स्ट ग्रेड 2018 में दिसंबर 2020 में पूछा गया, और भड़ला सोलर पार्क की बात करा दोस्तों, भड़ला सोलर पार्क है ना, भड़ला सोलर पार्क की ये बात करता है, भड़ला सोलर पार्क, भड़ला कहाँ है, जोधपुर में, ये ऊपर लिखी थी इसने, है ना, जोधपुर, तो सबसे बड़ा सोलर पार्क दोस्तों है ना, और ये कहाँ पे है दोस्तों, फलोदी तहसील में है दोस्तों, फलोदी तहसील, ये भी कई बार पूछ लेगा आप, अगर अंदर घुसेगा तो फलोदी पूछ लेगा, फलोदी तहसील है ना, ठीक है दोस्तों, ये फलोदी में है। और सेकंड जो बनने जा रहा है दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट वो है, वो नोक तहसील जैसलमेर का दोस्तों, नोक तहसील, नोक जैसलमेर सेकंड है ना, जैसलमेर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा तो पूछ ही रहा है और ये भी पूछ रहा है, अभी मैं आगे बताऊंगा रिपीटेड बार बार, सेकंड जो है सबसे बड़ा, इसमें अडानी का पैसा भी लगा हुआ है, इसमें भी अडानी का पैसा लग रहा है दोस्तों, ठीक है हाँ, तो देखिएगा, तो ये हो गया बड़ा सोलर, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता है, भाई क्षमता, अब लोग कहेंगे यार क्षमता क्या है, अभी तो हम 10,000 गीगावाट के लगभग पहुंचे हैं, हालांकि राजस्थान का एक अधिकार है, पूरे इंडिया में राजस्थान टॉप पे करता है, कितना 10 गीगावाट, सब इंडिया जो राजस्थान है दोस्तों 10 गीगावाट उत्पादन करता है, उत्पादन करता है, ये क्षमता है हमारी, और हम फर्स्ट रैंक पे दोस्तों ना, फर्स्ट रैंक पे है ओवरऑल इंडिया में सूर्य ऊर्जा से दोस्तों, सौर ऊर्जा से, आप सबको पता है सनलाइट आती है उससे बिजली बनती है, आप सबको पता ही है, तो इसमें राजस्थान की क्षमता कितनी ये बात किया गया है। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्षमता ये है तो फिर ये क्या है, अरे भाई ये प्रोडक्शन है, ये क्षमता है, आपके पढ़ने की कैपेसिटी दिन में 14 घंटे है, लेकिन पढ़ते कितने हो, 8 घंटे, तो ये 8 घंटे हैं आपकी कैपेसिटी 14 घंटे की है, आप में टैलेंट है, आपकी क्षमता है 5 गर्लफ्रेंड बनाने की है ना, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो, एक ही बना पा रहे हो, तो वो आपकी प्रोडक्शन है, आपकी क्षमता 5 की है लेकिन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो ये है क्षमता है, इतनी क्षमता, और भाई साहब ये बहुत बहुत बिग नंबर है दोस्तों, ये दिखने में छोटा सा लग रहा होगा, ये 142 रुपये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों ना, देखिएगा इसके बाद आगे चलते हैं सौर ऊर्जा बिजली के स्तर। अब आगे आगे क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? थर्मल पावर, ये क्या आ गया सर, ये क्या बता रहे हो तुम, बड़ा छोटा सोशन, भाई समझते चलो, पहले सौर का बताया था मैंने, ये थर्मल का है दोस्तों, कोयले से दोस्तों, अब बताओ कोयला जैसलमेर में ले जाके क्या ही करेंगे, उतनी दूर ट्रेन का खर्चा, उस पर वापस उधर लोग रहते नहीं है, बिजली खपाएगा कौन, वापस ट्रांसमिशन से इधर लाओ खर्चा आएगा, तो दोस्तों कॉमन सेंस से निकलता है, तो भाई साहब हरियाणा दिल्ली पंजाब से सीधा ट्रेन जाती है, गंगानगर जाती है, कोयला उतारती है और बनता है, तो सीधा रूट देखा जाता है, अभी हमारे इधर राजस्थान में तो ट्रेन बाद में पहुंचा है, वो हाँ ट्रेन बाद में पहुंचा है, यहाँ तो पहले पहुंच गया, और ये तो कब का ही चल रहा है दोस्तों, 1999 में, 1999 में शुरू हो गया दोस्तों, ये देखिएगा सूरतगढ़ गंगानगर में है, ये गंगानगर, ठीक है, तो ये गंगानगर में दोस्तों 1999 से उत्पादन शुरू हो गया था दोस्तों, उत्पादन शुरू है ना, उत्पादन शुरू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है, देख लो आप 22 में 22 में 2 बार पूछा गया ना, और ये 2 बार नहीं है, ये तो सिर्फ मैं जितना हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम है ये दोस्तों ना, तो थर्मल पावर स्टेशन जो कोयले से बिजली बनती है उसका जो दोस्तों है किस स्थान पर, राजस्थान का सबसे बड़ा, बड़े की बात कर रहे हैं तो थर्मल सुपर पावर स्टेशन, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा क्वेश्चन,
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है। अभी भी मैंने बताया और लैब असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया और ये ज़रूरी हो जाता है। अगर राजस्थान कहीं भी किसी भी रैंक में टॉप करता है, रैंक 5 में भी आता है, सेकंड पे आता है, तो वो अपने आप में ही क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। यहां तो हमारी फर्स्ट रैंक है, हमारे अधिकार है और आने वाले वर्षों में रहने वाला है, क्योंकि अडानी जी पैसा डाल रहे हैं दोस्तों ना, ठीक है। और अडानी तो आप सबको पता है, अडानी का जितना ग्राफ ऊपर गया ना दोस्तों, उतना तो रामदेव बाबा का भी नहीं गया ना मोदी कार्यकाल में। तो ये दोस्तों राजस्थान है, आप सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन का जवाब आप दोगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब आप दो, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताओ भाई। अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, बताओ भाई ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। तो ये होगा दोस्तों दानपुर, बांसवाड़ा, राउतवाड़ा, कोटा, नैनवा बूंदी, ये नाम तो सुने सुने लग ही रहेंगे आपको, है ना। तो लेकिन ये नहीं होगा और दानपुर दोस्तों, अल्ट्रा आ जाए ना दोस्तों, ये अल्ट्रा रट लो यार, अल्ट्रा करके कुछ भी किसी भी प्रकार का तुम लॉजिक लगा सकते हो, लगा लो दानपुर। ये छपने वाला दोस्तों, ये छपने वाला है, नया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये छपने वाला है 5 स्टार, इसलिए मैं मार रहा हूँ दोस्तों। अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। कैसे भी करके इसको कुछ दिन है ना अपना प्रोफाइल पिक बना लो भाई साहब, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हटा के इसको बना लो भाई, फायदे में रहोगे सही में। ये छपने वाला है, एक और क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा वो छपने वाला है, दो क्वेश्चन तो बिल्कुल छपने वाले हैं आपके, देखें हाँ। तो अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा है। आगे देखिएगा, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित कर नहीं करता है। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को मोटिवेशन देता है, जो नए बच्चे जाते हैं ना बिना तैयारी के, तो वो भी घर पे आके इतरा सके कि मुझे भी कुछ क्वेश्चन आते थे, उन लोगों के लिए क्वेश्चन है ताकि वो दिल पे ना ले कि पेपर टपता है ना। तो पर्यावरण संसाधन को प्रदूषित नहीं करता है, बताओ प्रदूषित कौन सा। अरे कोयला तो राख उत्पन्न करता है भाई साहब, परमाणु से करता ही है भाई साहब, ये तो पेट्रोल तो भाई साहब आप सबको पता है, थोड़ी देर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी के पीछे खड़े होके जाए तो भूत बन जाओगे। और ये है दोस्तों सूर्य की सनलाइट, है ना, सन वाला मामला, तो भाई सन से क्या ही होगा, सीधी सनलाइट आएगी वो चेंज होगी और बिजली बन जाएगी ना, तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ये तो दोस्तों बोनस गिफ्ट में दिया हुआ क्वेश्चन था ना, मतलब नंबर थे दो नंबर जो भी मिलेगा। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा अब हम इसको करते हैं, जैसलमेर पवन ऊर्जा ठीक बात है यार, राउतवाटा परमाणु ऊर्जा ठीक बात है, गोरीर सौर ऊर्जा ठीक बात है, लेकिन गिरल हमने पढ़ा तुम गिर जाओगे नाइट में, लिग्नाइट है ना, गिरल गिर जाओगे कहाँ, नाइट में, है ना, तो लिग्नाइट दोस्तों, लिग्नाइट आया ना याद, लिग्नाइट, तो लिग्नाइट नाइट में गिर जाओगे तुम, और बाढ़ आ जाएगी तो भी गिर जाओगे, तो बाड़मेर है ना, बाढ़ में भी तो बह जाओगे, अच्छे अच्छे बह जाते हैं, गिर जाते हैं भाई ना, बारिश में गिर जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं लपसर है ना लपसर ठीक है। तो ये था राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाए, इस पर मैं कितने स्टार लगा रहा हूँ देख लेना भैया ना, मैंने स्टार कहीं नहीं लगाए आपको पता है ना, 2-3 लगाए होंगे, इनफाइनाइट स्टार मार लियो भैया ना, ठीक है। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यूरेनियम जिससे परमाणु ऊर्जा बनती है दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे थे कि राउतवाटा राजस्थान का पहला है, इंडिया का दूसरा है, और राजस्थान का दूसरा नापला गांव बांसवाड़ा में बन रहा है, तो उसी यूरेनियम की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हमें ये बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, हम कनाडा से रशिया से इंपोर्ट करते थे और ये हमारे यहाँ राजस्थान में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। और अब वो दिन नहीं आएंगे शायद जब आप सबको पता है 5-6 घंटे बिजली कटौती होती थी, ये गर्मियों में हमने देखा बहुत परेशान रहते हैं बच्चे शहरों में, गाँव में तो फिर भी हवा चलती है, शहरों में तो बहुत मामला ख़राब हो जाता है ना, इन्वर्टर लाने पड़े थे लोगों को इमरजेंसी में, इस बार बहुत हालत ख़राब हुई 2 साल से हो रही है ना। तो ये अगर यूरेनियम का सही से सप्लाई हो गया और हम विकसित कर पाने में नई टेक्नोलॉजी के साथ पावर प्लांट सफल हुए तो दोस्तों लाइट का जो प्रॉब्लम है उसका खात्मा हो जाएगा। तो देखिएगा ये रोहिल खंडेला सीकर की बात कर रहा है दोस्तों, सीकर ये छपेगा दोस्तों, यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं दोस्तों यूरेनियम प्रोजेक्ट, तो रोहिल खंडेला सीकर में पाए गए दोस्तों, छपेगा ये क्वेश्चन, इनफाइनाइट स्टार मार दिया मैंने इसको, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला कहाँ गया रे, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है,
राज्य का दूसरा, मैंने बताया था दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क मतलब सनलाइट वाला, तो सबसे बड़ा तो भड़ला सोलर पार्क जोधपुर हो गया, और मैंने बताया था दूसरा कहाँ है, अरे भाई दूसरा नोख जैसलमेर में है। नोख, अब कैसे भी याद कर लेना इसको भाई, दूसरा नोख जैसलमेर में है। तो 10 का उल्टा चलो तो फिर कैसे कर, जैसे कर लेना यार मुझे नहीं पता, ये याद करना आपको, ये छपरा है दोस्तों देख लो, स्टेनोग्राफर, ये तो एक एग्जाम दिया मैंने शिफ्ट 21 का, ये बार बार रिपीट हो रहा है, भड़ला के बाद इसी का नंबर आता है रिपीट होने में दोस्तों ना। तो नोक जैसलमेर कैसे भी करके यार, श्याम ध्यान दंड ब्याज जो भी लगाना है लगा लियो भाई, ठीक है। ये अपना आखिरी क्वेश्चन था, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, और आगे ऐसे ही मैं लगातार अब दो दो तीन तीन वीडियो हम डेली बनाएंगे छोटे छोटे, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, और ये तो जीके था इसमें ज़्यादा मैं मजाक कर नहीं सकता था। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूला नहीं है, और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो और क्या बोल रहे हैं, हाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम एम्पायर एम्पायर, उसको सब्सक्राइब करना दोस्तों, सेव इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा होगा वो बता दीजिएगा आपको। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो भैया ना, टाइम बहुत कम बचा है।